हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना किचन हार्वेस्टिंग। जो भी मैंने किचन के लिए अपने पौधे लगा करके रखे हुए, किचन गार्डन मैंने जो भी बनाया है अपने, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ हार्वेस्टिंग भी शेयर करूंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे ये जो करेले हैं आप देख सकते हैं, ये तैयार हो गए हैं और आज मैं इनमें से कुछ करेले जो है हार्वेस्ट करूँगी। तो यहाँ पर यह करेला काफ़ी अच्छे से बड़ा हो गया है और अब हम अगर इस करेले को और बड़ा होने के लिए छोड़ देंगे इसमें, तो जो बाकी सारे जो करेले वो काफ़ी छोटे आएंगे और एक ही करेला जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो एक जब साइज़ अच्छा खासा हो जाए तब हमें जो है हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। इससे क्या है, और भी ज़्यादा जो है हमारे फल लगेंगे और हमें और भी ज़्यादा सब्जियाँ मिलेंगी। तो यहाँ से मैं इसको पहले तोड़ लेती हूँ एक को। तो यहाँ से दोस्तों हम इसको कट कर लेंगे और ये हमारा एक करेला बिल्कुल ऑर्गेनिक और हमारे घर का। इसमें मैंने किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया है। जो भी चीज़ें मैंने यूज़ किया है वो सब ऑर्गेनिक है। और अब मैं इसी तरीके से और भी करेले जो है वो अपने तोड़ लूँगी। पहले एक यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, इसे भी मैं यहाँ से कट कर लूँगी। और यहाँ पर एक और करेला, इसे भी हम कट कर लेंगे। बहुत ही अच्छा करेला हमारा तैयार हुआ है दोस्तों। और ये जो है हमारे तीन करेले हो गए। और अब हम देखते हैं और क्या है हमारे किचन गार्डन में। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए, ये है अरबी के पत्ते। इस पर भी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, अभी आप जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये अरबी के पत्ते हैं और इसे मैं अब यहाँ से कट कर लूँगी। इसके भी जो है काफ़ी अच्छे जो है हम खाने में यूज़ कर सकते हैं, इसके पकौड़ी वगैरह हम बना सकते हैं। तो दो पत्ते मैं यहाँ से कट कर लूँगी और अब यहाँ से और भी जो है पत्ते निकल जाएंगे। फिर अब हम यहाँ पर आ गए, ये है मेरा कड़ी पत्ता का प्लांट और आप देख सकते हैं इसमें जो है कड़ी पत्ते कितने बड़े बड़े इसके पत्ते आ रहे हैं। इसमें भी कोई भी मैं जो है केमिकल का यूज़ नहीं करती हूँ, सब चीज़ें ऑर्गेनिक है। और इन सब पे मेरा वीडियो बना हुआ है दोस्तों, वो भी आप जा कर के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मैं किन चीज़ों का यूज़ करती हूँ। तो इससे यहाँ कड़ी पत्ते से भी मैं एक दो तोड़ लूँगी। इसे हम दाल वगैरह में अपने जो है छौंक वगैरह में यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छा होता है इसका यूज़ करना। और कड़ी पत्ता बहुत ही अच्छा प्लांट है, आप सभी को दोस्तों घर में ये प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारे किचन गार्डन में। तो ये है मेरा मिर्ची का पौधा और आप देख सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे कितने मिर्च आए हुए हैं और इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी तीखा है। अगर हम एक मिर्ची का भी यूज़ करते हैं अपने खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा तीखा होता है। तो इसे भी मैं कुछ जो है हार्वेस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिर्च यहाँ पे छोटे छोटे से भी है और कुछ जो है बड़े बड़े भी है। काफ़ी इसमें जो है मिर्च आते रहते हैं और मैं हमेशा बीच बीच में जो है तोड़ते रहती हूँ। तो यहाँ से मैं तोड़ लेती हूँ दो चार। तो यहाँ पर मैंने कुछ मिर्च जो है तोड़ लिए हैं और मैं अभी नहीं तोड़ूँगी क्योंकि जब मुझे यूज़ होता है तभी मैं फ्रेश जो है वो तोड़ लेती हूँ। तो इस तरीके से ये हमारे मिर्च हो गए। और यहाँ पर दोस्तों ये देखिए, ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही ये प्लांट लगाया था और अब जो है इसमें फ्लावर्स भी आना शुरू हो गए हैं और कहीं कहीं पे तो मिर्ची भी आ गई है, आप देख सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा प्लांट है। मिर्च को हम अपने गमले में भी लगा सकते हैं अगर आपके पास जगह की कमी है। मैंने यहाँ पर ज़मीन में लगा करके रखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बहुत सारी जो है आज हार्वेस्टिंग कर ली है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज मैंने इतनी हार्वेस्टिंग की है और आने वाले अभी विंटर्स में तो और भी मैं हार्वेस्टिंग करते रहूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।